यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर रंजीत यादव द्वारा अयोध्या में चलाया जा रहा अपना स्कूल एक सराहनीय पहल है। इसमें ना कोई कमरा, दीवार और ना ही छत है, लेकिन यहाँ छात्र आराम से खुले में पढ़ते हैं। वह अपने खर्चे से छात्रों को स्टेशनरी और अध्ययन सामग्री प्रदान करते हैं। यह जानना काफी प्रेरणादायक है कि इस पहल में अब तक लगभग 30 छात्रों ने नामांकन कराया है। एसआई रंजीत यादव आजमगढ़ के रहने वाले हैं और वह लोगों के लिए आदर्श है। इकोकारी नंदन भट्ट द्वारा शुरू किया गया एक अनूठा सामाजिक उद्यम है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और अपसाइकिल करना है। यह कम विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को नए कौशल सीखने के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करता है। प्लास्टिक को पहले अलग किया जाता है, कम से कम पानी से धोया जाता है, कैंची से काटा जाता है और फिर एक पारंपरिक चरखे पर रोल किया जाता है। तत्पश्चात इसे हथकरघा पर एक कपड़े में बुना जाता है और विभिन्न प्रकार के उपयोगी उत्पादों में बनाया जाता है। इस प्रकार इकोकारी हमारी हस्तशिल्प विरासत की जड़ों से भी जुड़ने में हमारी मदद कर रहा है। तमिलनाडु के उधग मंडलम जिले में स्थित सरकारी स्कूल के 3 छात्रों ने ईमानदारी की मिसाल कायम की है। बस का इंतजार करते हुए उन्हें एक बैग मिला जिसमें 35,000 रुपए नकद थे। उन्होंने बैग के मालिक का इंतजार किया और उनके आने के बाद ही उस बैग को मालिक को वापस लौटाया। हमें उनकी ईमानदारी पर बेहद गर्व है, क्योंकि यह हमें आश्वस्त करते हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।